आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। अभी हम यानी उम्मत मुस्लिमा मस्जिद अक्सा को रो ही रही थी कि अब हमारे देश भारत से भी एक नई खबर सामने आई है। सुदर्शन चैनल, जिसका मालिक सूरज चौहान है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने चैनल पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ पागल कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। बता दें कि 15 मई को उसने एक वीडियो जारी की जिसमें माजअल्लाह सतबार माजअल्लाह उसने गुंबद खजरा पर मिजाइल दागता हुआ वीडियो बनाया और माजअल्लाह गुंबद खजरा को शहीद होता हुआ दिखाया। यानी एक तरह से उसने उकसाने की कोशिश की है कि गुंबद खजरा को ही यानी मस्जिद नबवी को ही माजअल्लाह उड़ा दिया जाए। इस वीडियो के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है, मस्जिद नबवी दूसरे नंबर पे, यानी खाने काबा के बाद उसकी वो इबादतगाह जो हमारे लिए बहुत ही मुअज्जज और मोहतरम है, उसके खिलाफ सुदर्शन टीवी ने, सुदर्शन चैनल ने इस तरह की जो हरकत की है वो इंतहाई दिल आज़ारी वाली है। इस पर सख्त एक्शन लेते हुए रज़ा अकेडमी के बानी अला सईद नूरी साहब और उनके रुफका ने कल मुंबई के एडिशनल कमिश्नर कोले साहब से मुलाकात की और उन्हें इस बाबत पूरी मालूमात दी। वो भी सख्त बरहम हुए, नाराज़। उन्होंने फौरन जॉइंट कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से बात की और उन्होंने फौरन रज़ा अकेडमी की वफद से, जिसमें सही मौलाना अला सईद नूरी साहब मौजूद थे, उनसे कहा कि आप पायदुनी पुलिस स्टेशन चले जाएँ और वहाँ पर FIR दर्ज कराएँ। ये वफद पायदुनी पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ पर सुदर्शन चैनल और उसका जो बानी वानी पागल कुत्ता है सूरज चौहान, उसके खिलाफ 295A 153A 505 Part 3 और 34 IPC के तहत मुकदमा यानी FIR दर्ज करा लिया गया है और उस पर कार्रवाई कब होगी ये भी देखना बाकी है। बहरहाल हम अपने चैनल के जरिए से आपको ये बता देना चाहते हैं, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने बहुत पहले कह दिया था कि मस्जिद अक्सा पे अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम दुश्मनों की निगाहें मक्का और मदीना तक पहुंचेंगी। वही सूरत हाल अब सामने आ गई है। पागल कुत्ता हो चुका है सुदर्शन चैनल और उसका जो एंकर है, उसका जो मालिक है सूरज चौहान, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हिंदुस्तानी हुकूमत करे, क्योंकि इसने हमारे जज्बात से खेला है। अब मामला रुकने वाला नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम अमन पसंद हिंदुस्तानियों से अपील करेंगे कि इस कमीने उस पागल कुत्ते के खिलाफ मुल्क भर में FIR दर्ज कराई जाए ताकि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वाला आलिका व असहाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुदर्शन टीवी ने 15 मई को अपने प्रोग्राम में माजल्ला गुंबद खजरा शरीफ की तरफ मिसाइल को फेंकते हुए दिखाया और फिर माजल्ला गुंबद खजरा शरीफ की तोहीन करते हुए उसको मुनहदिम होते हुए दिखाया। इस पर पूरे मुल्क के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। आज रज़ा एकेडमी का एक वफद, एक डेलीगेशन मौलाना खलील रहमान साहब नूरी, जनाब इब्राहिम ताई साहब, जनाब इरफान शेख साहब, जनाब नाजिम खां साहब के साथ ये फ़कीर असीर मुफ्ती आज़म मोहम्मद सईद नूरी भी था और बम्बई के एडिशनल कमिश्नर SB1 के कोले साहब के पास गए और उनको लेटर दिया गया और बताया गया कि देखिए ये गुंबद खजरा शरीफ जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार पुर अनवार है उस पर ये गुंबद शरीफ है और उसके साथ सुदर्शन टीवी ने तोहीन किया है। उन्होंने उसी वक्त बम्बई के पुलिस कमिश्नर साहब से रابطہ कायम किया, जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से रابطہ कायम किया और हम लोगों से बताया कि आप पायदुनी पुलिस स्टेशन चले जाएँ और वहाँ पर FIR दर्ज करवा दें। हम लोग पायदुनी पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुदर्शन टीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया। FIR की ये कॉपी है और सेक्शन 295A 153A 505 Part 2 34 IPC के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हम बम्बई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं।